क्या आपने सुना है कि लड़कियां स्टार्टिंग से ही, मतलब पहली मीटिंग से ही, वो आपके ऊपर बिलीव कर सकती हैं, भरोसा कर सकती हैं। तो इन्हीं सब बातों का मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या एक लड़की या फिर वो दोस्त हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर एक अच्छे कपल्स भी हो सकते हैं। क्या शुरुआत से ही एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि वो एक दूसरे के लिए हर एक चीज़ बिना कहे समझ सकें, बिना कोई सवाल किए एक दूसरे के दिल की बात को समझ जाएं। तो दोस्तों, इसमें वक्त लगता है, चीज़ें समझी जा सकती हैं, मैं कह सकता हूँ। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मेरे हैं खुद के, मैं कहीं से कॉपी करके लाइन नहीं चेप रहा। तो जो चीज़ें मैंने एक्सप्रेस करी हैं, मैंने ऑब्जर्व करी हैं और मेरे एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो मेरा फ्रेंड सर्कल हो या फिर गर्लफ्रेंड हो या फिर मेरा थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन हो, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको ये पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं गर्लफ्रेंड से, मतलब फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड तो बाद में बनती है। तो सबसे पहले, अगर आप किसी लड़की के दोस्त हैं, तो सबसे पहले आपको उसको करना क्या चाहिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाए? सबसे पहले आपको उसकी बात को सुनना चाहिए। अब लोग कहेंगे सबसे पहले आपको उसको टाइम देना चाहिए, ये सब चीज़ें कहेंगे, लेकिन नहीं, वो जो कहती है सबसे पहले उसकी बात को सुनो, फिर समझो, फिर थर्ड में आप उसको अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। उससे क्या होगा? अब उससे ये होगा कि लड़की को थोड़ा सा बिलीव हो जाएगा स्टार्टिंग से ही कि यार ये मेरी बात को सुनता है, समझता है, इससे हम अपनी दिल की बात कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऐसे आपको भी एक अच्छा फील आएगा, अच्छा दोस्त मिल पाएगा जो आपको समझने की कोशिश करने लग जाएगा, क्योंकि आप उसकी बात को सुन रहे हैं, तो उसका भी फ़र्ज बनता है कि वो आपकी बात को सुनेगा। सेकेंड चीज़ ये होती है कि जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी प्यार मोहब्बत हैं, तो वो रिश्ते इतने कमज़ोर क्यों होते हैं, टूट क्यों जाते हैं? टूटते किसी न किसी वजह से हैं। कभी आप मुखर जाते हैं किसी एक प्रॉमिस की वजह से, कभी कोई ऐसी बात आ जाती है जिसकी वजह से बहुत हर्ट हो जाता है लड़कियों को, क्योंकि लड़कियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत कमज़ोर दिल की होती हैं, वो इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मान लीजिए आपने किसी लड़की को देखा, उसकी तारीफ ही कर दी, इतने में भी किसी न किसी का ब्रेकअप हो जाता है, अपना भी वही हाल है। दोस्तों, ये सब चीज़ें समझने की बात है, इसको जितना टाइम दोगे उतना ही चीज़ें आगे ग्रो करेंगी, साथ में आपका रिश्ता जो भी रिलेशनशिप है और स्ट्रांग हो जाएगी, बॉन्ड और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि तीसरे इंसान को कहने का मौका मत दीजिए, आपकी रिलेशनशिप है, आपका प्यार है, आपका रिश्ता है, तो आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी रिश्ते में कि मैं जाके बात करूँगा तो मेरी इमेज घट जाएगी और मैं ही क्यों करूँ। ये सब चीज़ें होती हैं ईगो प्रॉब्लम, ईगो नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी रिलेशन में, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आ गया बीच में तो फिर ऐसे क्या होता है ना, दूरियाँ बढ़ जाती हैं और इन्हीं दूरियों की वजह से तीसरा बंदा फ़ायदा उठा लेता है। अब तीसरे बंदे का टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा कि ऐसा क्या कर जाते हैं, ऐसी कौन सी हम गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा प्यार तो हमारे हाथ से चला जाता है और जो हमारी गर्लफ्रेंड होती है वो किसी और के साथ में कमिटेड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और कब होता है, ये सारी चीज़ें बहुत जल्द अगली वीडियो में शूट करेंगे और आपको बताएंगे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर ऐसा क्यों हो जाता है और होना सही है या गलत है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे आगे वीडियोस में। तो दोस्तों, सबसे एंड चीज़, आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं जो मैंने आपसे कही थी रिलेशनशिप और कपल्स के बारे में। कपल्स में अक्सर ये होता है कि लोग सोचते हैं कि यार अब हमारा रिलेशन बहुत आगे निकल चुका है, 2 साल 3 साल हो चुके हैं, तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए भले उनके जेब में एक पैसा ना हो। दोस्तों, लड़की तो आपसे कहेगी कि शादी कर लेते हैं, पर क्या आपको ये जवाब देना चाहिए कि हाँ कर लेते हैं? एक बार सोचिएगा अपने दिमाग से, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है और आप हाँ कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद में ऐसा होता है कि फैमिली का प्रेशर होता है कि मैं तेरी शादी कहीं और से करवा देता हूँ। उसके बाद में रिलेशन धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है, टूटने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। उन सब चीज़ों की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में तो दिक्कत आती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाती है और आपके परिवार में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। लेकिन इन सब को मैनेज कैसे करना है? आप ध्यान दीजिए सबसे पहले अपने रिलेशन पे, आप सीधे जवाब दीजिए, उनसे झूठ मत बोलिए कि मैं तुझसे शादी करूँगा, थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त लगेगा, ये सब चीज़ें नहीं। उससे सीधे बोलो कि हाँ मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और
मुझे ये एक चीज़ें करनी है, मतलब कि जॉब करनी है या फ्यूचर गोल्स ये हैं, मैं तेरा सपोर्ट चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, और जब वक्त लगेगा तो कुछ अच्छा निखर के आएगा ना बाहर। अच्छी लाइफ के लिए पैसे होना ज़रूरी है ना, अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो रिलेशन कैसे चलाओगे भाई। गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है ना, घर के खर्चों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और लड़की और लड़के का रिलेशन बहुत थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है, तो उसको थोड़ा सा मूवमेंट करो, आगे पीछे करो, धक्के वक्के मारो। अपने रिलेशन को आगे ले जाने के लिए कुछ करना भी इम्पॉर्टेंट है यार, ऐसा नहीं होता कि आपने प्रॉमिस कर दिया और उस प्रॉमिस के चक्कर में सारी चीज़ें घुल मिल गई। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ दिनों बाद आशिक बन गए और आशिक टू के हीरो बन गए, आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पे भी जाके अपना रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया, पागलपन स्टार्ट कर दिया। नहीं होता ये सब, मैं भी करता हूँ पर एंटरटेनमेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि मेरा दिल टूटा है ना। तो मजाक मत उड़ाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, अपनी बातचीत पर ध्यान दीजिए, किस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, है ना। आप अपनी गर्लफ्रेंड को जितनी रिस्पेक्ट देंगे, जितना प्यार देंगे, वो आपसे उतनी ही सच्चे दिल से मोहब्बत करेगी, आपका सपोर्ट करेगी, आपका साथ देगी। और हाँ, हर रिश्ते का जो बुनियाद होता है, जो नींव होती है, उसको क्या करना है, सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है। जितना झूठ बोलोगे उतना रिलेशन टूटता चला जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब लाइक तो आप कर ही देंगे आई नो। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे मंडे टू फ्राइडे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। और मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर आने वाला हूं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग लड़कियां को कैसे इंप्रेस करते हैं, इस बारे में मैं बताने वाला हूं। और लड़की से बात करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप रूपानी चप्पल में जाके बात करने लग जाएंगे, वो भी फेस आता है, वो भी थोड़ा सा अभी अपग्रेड हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर ये भी एक स्टोरी है जो रूपानी चप्पल की है, ये भी एक स्टोरी है, ये मेरी खुद की कहानी है जो कि 8th class की है। मैं आगे आपको सुनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा हौसला मिले कि वो भी मोहब्बत होती है ना। तो चलिए बाय बाय।